गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे और आज मैं बात करूंगी माइग्रेन के बारे में। माइग्रेन जिसको हम कहते हैं सिर आधे सिर में दर्द होना, वन साइडेड हेडेक होता है ये, और स्पेशली महिलाएं इससे ज़्यादा सफ़र करती हैं, पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं में ये पाया जाता है माइग्रेन की दिक्कत। माइग्रेन में क्या होता है कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं। देखिए, माइग्रेन में क्या होता है कि सर में बहुत तेज दर्द होता है और ये सर दर्द जो होता है वो अलग अलग इंसान में अलग अलग तरीके से होता है। सर दर्द के समय क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं मरीज को, जैसे वॉमिटिंग जैसा फील होना, नॉजिया फीलिंग होना, उल्टी होना, वॉमिटिंग होना, सेंसिटिव टू लाइट, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी लाइट के लिए, रोशनी जब कमरे में होगी तो पेशेंट को दिक्कत होगी, नॉइज जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि लाइट से दिक्कत होना, शोर शराबे से दिक्कत होगी, इस तरीके की दिक्कतें होंगी। पेशेंट को जो है शुरुआती लक्षणों में क्या आता है कि उस समय जो सर दर्द होता है पेशेंट को वो जो है 5 से 20 मिनट तक होता है, 5 to 20 मिनट, ठीक है, और धीरे धीरे फिर ये बढ़ने लग जाता है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये 1 घंटे हो सकता है, आधे घंटे हो सकता है पेशेंट को। इस दौरान क्या होता है कि पेशेंट को जो है आंखों में दिक्कत हो सकती है, जैसे अंधेरा जैसे छाना, काले बिंदु दिखाई देना, रेखादार जो है लहरदार रेखाएं जैसी दिखाई देना, प्रकाश की जो है चमक, उसे लगेगा आंखों के सामने कोई लाइट जैसी जल रही है, या फिर हेलुसिनेशन, जो चीज नहीं है वो भी उसको फील होगी, ऐसा लगेगा कि उसके सामने है। तो इस तरीके की दिक्कतें होती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि टनल विजन की भी दिक्कत हो जाती है, मतलब दिखाई देने में कठिनाई होना, पेशेंट को साफ दिखाई नहीं देता है, शरीर में एक तरफ जो है झंझनाहट या झुंझुनी जिसे कहते हैं एक तरफ हो जाएगा, वन साइडेड होता है, पेशेंट को साफ बोलने में दिक्कत होती है, पेशेंट जो है जीभ जो है उसकी लड़खड़ाएगी, पेशेंट के जो शोल्डर्स होंगे और जो पैर होंगे उसमें भारीपन महसूस होगा, कान में भी ऐसा लगेगा कि भारी भारी वजन जैसा रखा हुआ है, इस तरीके से फीलिंग्स होती हैं। ज्यादातर पेशेंट को क्या लगता है कि उसमें पेशेंट को दिक्कत होती है कि मूड स्विंग होना, एकदम से मूड स्विंग होगा, मतलब कभी रोना आएगा, कभी पेशेंट का मूड अपने आप ही खराब हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि उसको गुस्सा क्यों आ रहा है, उसके इमोशंस क्यों चेंज हो रहे हैं। पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन, दस्त लगना, ऐसी दिक्कतें, लूज मोशंस होना, ऐसी दिक्कतें पेशेंट को हो जाती है। पेशेंट का बार बार मुंह सूखेगा, प्यास ज्यादा लगेगी, इस तरीके की परेशानियां जो है माइग्रेन की दिक्कत में होती है। माइग्रेन होता क्यों है, इसके कारण क्या हो सकते हैं? देखिए, माइग्रेन जो है हार्मोनल डिस्टरबेंस की वजह से भी होता है। महिलाओं के शरीर में ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन होता है, जिसका लेवल अगर कम हो जाए या डिस्टर्ब हो जाता है तो उसकी वजह से भी माइग्रेन की दिक्कत होती है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी है ये, ठीक है। इसमें फैमिली हिस्ट्री भी रिस्पॉन्सिबल होती है, अगर परिवार में माता पिता को माइग्रेन की दिक्कत है तो बच्चे में हो सकती है, तो फैमिली हिस्ट्री भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, मैंने बताया कि अगर आपके आसपास का जो है शोर शराबे वाला बहुत एरिया है, आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे जैसे लाइक आप बस स्टॉप के पास रहते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा शोर शराबे, काफी लंबे समय से इस माहौल में आप रह रहे हैं, तो ये माइग्रेन की दिक्कत आपको हो सकती है। आपको दिमागी रूप से कोई दिक्कत हो रही है, तनाव हो रहा है, अवसाद हो रहा है, मतलब डिप्रेशन की कंडीशन तो नहीं है, ये इसके कारण हो सकते हैं। आपकी स्लीप डिस्टरबेंस भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, अगर आप कई दिनों से सोए नहीं हैं या आपकी नींद ज्यादातर डिस्टर्ब रह रही है तो वो हो सकता है, ठीक है। इसकी वजह से अगर आपके जीवन शैली में कोई बदलाव आया, आपके लाइफस्टाइल में, जैसे आप किसी लाइफस्टाइल में रह रहे हैं और उसमें एकदम से चेंजेस आ जाते हैं, थोड़ी देर वेट कर लीजिए, तो उसकी वजह से आपको माइग्रेन हो सकता है, जीवन शैली में बदलाव होने की वजह से, ठीक है। इसके अलावा जो है जो महिलाएं बहुत ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव, माइग्रेन की 2 स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट स्टेज इज प्रोड्रोम एंड नेक्स्ट स्टेज इज पोस्ट्रोम। फर्स्ट स्टेज जो प्रोड्रोम होती है उसमें पेशेंट को 24 आवर हेडेक रहता है, उसके सिम्टम्स जो है पहले ही आ लेते हैं। पोस्ट्रोम में क्या होता है कि पेशेंट को अगर हेडेक आज है तो उसके सिम्टम्स अगले दिन तक रहते हैं, जैसे कि सिम्टम इन द सेंस जैसे थका हुआ महसूस करना, मांसपेशियों में दर्द होना, उसमें थकान महसूस होना, सुस्ती महसूस करना, बहुत ज़्यादा पेशेंट सुस्त रहेगा, इरिटेशन होगी माइंड में, चिड़चिड़ापन रहेगा, और उसके साथ साथ भूख ना लगना, इस तरीके के लक्षण जो है उसको एक दिन के बाद तक रहते हैं, तो इस कंडीशन को हम पोस्ट्रोम स्टेज कहते हैं। खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि माइग्रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा हाई, जैसे डार्क चॉकलेट जो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं या चॉकलेट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, या पुराना खाना, बासी खाना जो लोग खा लेते हैं, जो कि ऐसा खाना खाते हैं जिसमें नाइट्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं या मोनोसोडियम ग्लूटामेट ज़्यादा होता है, ग्लूटामेट, तो ऐसी चीज़ें खाने से जो है माइग्रेन की दिक्कतें हो सकती हैं, तो आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी है। जो लोग एल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं,
उन लोगों को स्मोकिंग जो करते हैं या उनकी जिनकी हेल्दी डाइट नहीं होती, जैसे बहुत ज़्यादा फास्ट फूड फैटी फूड्स जो लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को भी माइग्रेन की परेशानी हो जाती है, क्योंकि डाइट एंड रेजिमेंट भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है माइग्रेन की प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपके स्लीपिंग, जो आपकी स्लीपिंग टाइमिंग है वो भी रिस्पॉन्सिबल होती है, आपका पानी ना पीना वो भी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, आप डाइट अच्छे से नहीं ले रहे हैं तो ये भी, अगर आप मील स्किप कर रहे हैं, आप खाना नहीं खा रहे, भूखे ज़्यादा रह रहे हैं, तो ये भी माइग्रेन के लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। दूसरी बात, ये माइग्रेन का कारण भी हो सकता है, और जिन लोगों को माइग्रेन होता है वो लोग अगर ज्यादा भूखे रहते हैं तो उन लोगों को ये कंप्लेंट्स ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो जो लोगों को माइग्रेन होता है उनको ज्यादा भूखे नहीं रहना है, स्किप जो अपनी मील्स है वो स्किप नहीं करनी है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरा, इसके टाइप्स होते हैं माइग्रेन के, प्रकार की बात हम करते हैं। जैसे एक फर्स्ट टाइप होता है क्लासिक माइग्रेन, नेक्स्ट इज जनरल माइग्रेन, ऑकुलर माइग्रेन, हेमी प्लेजिस माइग्रेन, प्लेजिक माइग्रेन, ठीक है, क्रोनिक माइग्रेन, ठीक है, उसके बाद स्टेटस माइग्रेन। ये इसके टाइप्स होते हैं, फर्स्ट क्लासिक, सेकंड इज जनरल माइग्रेन, ऑकुलर माइग्रेन, थर्ड एंड क्रोनिक माइग्रेन, हेमीप्लेजिक माइग्रेन और स्टेटस माइग्रेन। ये टाइप्स हैं माइग्रेन के। माइग्रेन आपको किस प्रकार का हो रहा है, कैसे उसके लक्षण हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको अगर मेडिसिन दी जाती है तो हम माइग्रेन को क्योर कर सकते हैं। दूसरी बात, जो लोग बहुत ज़्यादा पेन किलर इस्तेमाल करते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा पेन किलर या एंटी एलर्जिक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, उनको भी माइग्रेन की दिक्कत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, जो लोग वैसोडायलेटर्स लाइक जैसे नाइट्रोग्लिसरीन, वैसे डायलेटर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को माइग्रेन की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो इस तरीके से हमें अपना ध्यान रखना है कि इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। जिन लोगों को माइग्रेन है, ऑलरेडी पहले से ही माइग्रेन की परेशानी है, उनको अत्यधिक पेन किलर की जो है ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, और ज़्यादा पेन किलर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, और उन लोगों को कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो गया, हार्मोनल जो मेडिसिन होती हैं, या जो मेंस्ट्रुएशन को आगे पीछे करने की दवाइयाँ होती हैं, ऐसी चीज़ों का आपको इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो माइग्रेन की दिक्कत आपको बढ़ते चले जाएगी। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। माइग्रेन के लिए होम्योपैथिक में जो है ट्रीटमेंट होता है जिससे कि आप क्योर हो सकते हैं, पेशेंट को आप क्योर कर सकते हैं, अगर होम्योपैथिक डॉक्टर हैं तो वो लोग क्योर कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेडिसिन इज बेलाडोना। अगर पेशेंट सेंसिटिव है बहुत ज़्यादा, एनवायरमेंटल फैक्टर्स अगर हैं माइग्रेन के, से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है लाइट के लिए, नॉइज के लिए, तो वहाँ पर बेलाडोना बहुत अच्छा काम करती है। बेलाडोना का पेशेंट कंप्लेन करेगा कि डॉक्टर साहब मेरे को इतना ज़्यादा दर्द होता है कि ऐसा लगता है सर फट जाएगा, और उसके साथ साथ चेहरे में गर्मी निकलती है और लाल हो जाते हैं और आंखें भी लाल हो जाती है, तो वहाँ पर जो है बेलाडोना बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन ब्रायोनिया। ब्रायोनिया की जो पेशेंट होगी वो कंप्लेन करेगी कि वो उसको माइग्रेन के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, मुंह बहुत सूखता है, मन करता है कि जीभ अकड़ गई है उसे ऐसा लगेगा। दूसरा पेशेंट जो है थर्स्टी हो जाएगा वहाँ पर। दूसरा पेशेंट को जो है सर में भारीपन महसूस होगा और ऐसा लगेगा कि उसको बांध के रखे तो शायद हो सकता है उसको रिलीफ मिले, इस तरीके की दिक्कत होगी। जलसीमियम। जलसीमियम में पेशेंट जो है ऑल टाइम स्लीपी फील करेगा, सर में भारीपन, आंखों में पलके भारी भारी होंगी, नींद जैसी लगे रहेगी, उसे लगेगा कि मेरी नींद ही पूरी नहीं हो रही है, और उसकी वजह से उसको माइग्रेन की कंप्लेंट्स रहेंगी। तो वहां पर जेलसीमियम 231 mg अकॉर्डिंग टू पेशेंट एंड उसकी एज के अकॉर्डिंग आप पोटेंसी को सिलेक्ट करके उसको दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन इज ग्लोनाइनम। ग्लोनाइनम जहाँ वहाँ रही जाती है जहाँ पर पेशेंट को गर्मी से परेशानी होती है, जैसे सन हीट में जाने से दिक्कत हो जाएगी, गर्मी से दिक्कत होगी, माइग्रेन की दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो जैसे स्टूडेंट्स, जैसे स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हो गए, वहाँ पर नेट्रोम्यूर और ग्लोनाइनम बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर पेशेंट को धूप में जाने से माइग्रेन की परेशानी बढ़ रही है तो वहाँ ग्लोनाइनम 30-200 अकॉर्डिंग टू पेशेंट की कंडीशन हम पोटेंसी सिलेक्ट करते हैं। इसीलिए डॉक्टर से बिना पूछे होम्योपैथिक डॉक्टर से बिना पूछे दवाइयाँ ना लें। ठीक है, नेक्स्ट मेडिसिन है इग्निशिया। इग्निशिया महिलाओं के लिए जो है अच्छी दवाई है माइग्रेन की अगर दिक्कत हो रही है, अगर पेशेंट जो है हिस्टेरिकल कंडीशन है, और दूसरी बात अगर किसी ग्रीफ की वजह से, किसी टेंशन की वजह से, बहुत लंबे समय से कोई टेंशन चली आ रही है उसकी वजह से माइग्रेन की कंप्लेंट्स अगर पेशेंट को हुई है तो वहाँ इग्निशिया बहुत अच्छा काम करती है। नेट्रोम्यूर मैंने बताया है कि अभी इमोशनल फैक्टर्स या फिर सन हीट एग्रावेशन, धूप में जाने से या गर्मी से अगर दिक्कत हो रही है तो वहाँ पर नेट्रोम्यूर बहुत अच्छा है, और स्कूल गोइंग जो गर्ल्स होती हैं उनके लिए नेट्रोम्यूर बेस्ट मेडिसिन है माइग्रेन के लिए। नेक्स्ट मेडिसिन इज नक्स वोमिका। मैंने अभी बताया था कि कुछ खाद्य पदार्थ खाने की वजह से भी माइग्रेन हो सकता है, तो वहाँ पर नक्स वोमिका
मोमिका बहुत अच्छा वर्क करती है। नक्स मोमिका में अगर पेशेंट ने कोई पुराना बासी रखा हुआ खाना खा लिया जिसकी वजह से एग्रावेट हो गई उसकी कंप्लेन, या फिर वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल का इंटेक करते हैं या फिर बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, उनका जो फूडिंग हैबिट है वो डिस्टर्ब्ड है, उसकी वजह से अगर माइग्रेन की कंप्लेंट्स हैं तो वहाँ पर नक्स मोमिका 30-200 पेशेंट के अकॉर्डिंग आप पोटेंशियल सेलेक्ट कर सकते हो, तो वहाँ पर बहुत अच्छी दवाई है। ठीक है, नेक्स्ट मेडिसिन सैंगुनेरिया। सैंगुनेरिया वहाँ पर हम देते हैं जहाँ पर राइट साइडेड हेडेक होता है। मैंने बताया कि माइग्रेन वन साइडेड हेडेक होता है, राइट साइड होता है फिर लेफ्ट में भी शिफ्ट हो जाता है, इस तरीके से भी दर्द होता है इसमें।